गुजरात के नरोदा गांव दंगा मामले में स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा गांव में 11 लोगों की मौत हुई थी। इन सभी को जिंदा जलाया गया था। इस मामले में माया कोडनानी के अलावा बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयदीप पटेल और नरोदा पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर वीएस गोहिल समेत 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 17 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 69 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मामले में करीब 182 गवाहों से पूछताछ की गई थी। स्पेशल जज शुभादा कृष्णकांत बख्शी ने 5 अप्रैल को सुनवाई पूरी की थी। आरोपियों के खिलाफ मर्डर, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश, दंगे करना, सांप्रदायिक भावनाओं को बिगाड़ना, डकैती जैसे मामले के केस दर्ज थे। इस घर में 4 लोग को जिंदा जला दिया। अच्छा। हाँ, 100 साल का बुढ़ा, 80 साल की बुढ़ी, 20 साल की, 60 साल की, सबको जिंदा जलाए। अच्छा, मतलब ये घर में मतलब टोटल 4 लोगों को जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया, हमारी गाड़ी बाड़ी सब जला दिया, हम देखते रह गए। अभी इधर ऐसा था कि मुस्लिम लोग सब थे, बाहर से टोला आया था, फिर सब जला दिया, सब चले गए पुलिस स्टेशन में, सब रह गए। फिर यहाँ से सालम कैंप में गए, फिर उसके बाद में सब जला दिया। और पहले बाहर 2 इंसान को जला दिया, इधर 4 इंसान को जला दिया, ऐसे सबको ऐसा किया था। और सब टोले टोले थे। अच्छा। हाँ हाँ। और रोड पे एक लड़की को रेप करके जिंदा जला दिया और रेप किया। मैंने अदालत की सुनवाई के दौरान नरसंहार में शामिल सभी 70 लोगों की पहचान की थी। मैंने उन लोगों की पहचान की थी जो उस घटना में शामिल थे, जो मेरी आंखों के सामने हुई थी, जिन लोगों के नाम का जिक्र मेरी FIR में था। SIT ने उन लोगों की जांच की है और ये जांच सालों तक चलती रही। SIT की जांच रिपोर्ट में वही सब था जो मैंने अपनी FIR में बताया था। रिपोर्ट में नरोदा गांव मामले में अभियुक्त बनाए गए लोगों के परिवार वालों से भी बात की और फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। हम कोर्ट के फैसले से खुश। कोर्ट का फैसला 21 साल बाद आया। इतने साल आपके और आपके परिवार के लिए कितने मुश्किल रहे? मेरे बेटे और परिवार के सदस्यों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपना सारा काम छोड़कर वो कोर्ट की सुनवाई में जाते थे। 28 फरवरी 2002 को भीड़ ने 11 लोगों को जिंदा जला दिया था। भीड़ ने अल्लाह रखा भुरिया नाम के शख्स को उनके घर से खींच कर बाहर निकाला और उन पर तलवार से हमला कर दिया। शिकायत में जिन 5 लोगों का नाम था और जिनकी नरोदा पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ने जांच की थी, क्या पूरे नरसंहार में उनकी कोई भूमिका नहीं थी? मैं मान सकता हूं कि शिकायतकर्ता, गवाह अपने बयान बदल सकते हैं और दूसरे भी, लेकिन पुलिस विभाग का क्या? क्या पुलिस अधिकारी झूठ बोल रहे थे और गलत बयान दे रहे थे? अदालत ने फैसला सुनाते समय पुलिस अधिकारियों के बयान और उनकी जांच को ध्यान में क्यों नहीं रखा? अदालत में 187 गवाहों को सुना गया और सभी ने विरोधाभासी बयान दिए। यहां तक कि जो सबूत पेश किए गए उनमें भी बहुत विरोधाभास था। शवों और अभियुक्तों की गलत पहचान की गई। बचाव पक्ष ने ये साबित कर दिया कि चश्मदीदों की गवाही पूरी तरह से तथ्यों के खिलाफ थी।